हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी आईब्रोज को घना व मोटा बना सकते हैं। गाइस, अगर आपकी आईब्रोज के बाल कम हैं तो आपका फेस देखने में अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर आपकी आईब्रोज के बाल सही तरीके से बने हुए हैं और घने व मोटे हैं तो आपका फेस देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। आपकी पलके और आपकी आईब्रोज आपके चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा कारगर नुस्खा बनाने वाले हैं जिसके मात्र 3-4 दिन के इस्तेमाल से आप अपनी आईब्रोज को घना मोटा वो खूबसूरत बना पाएंगे। गाइज, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपको ये नुस्खा समझ आए और आप इसे इस्तेमाल करके अपनी आईब्रोज को घना व मोटा बना पाएं। और गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज, 3 चीज़ों की मदद से हम इस नुस्खे को बनाने वाले हैं, जिसमें पहला गाइज कैस्टर ऑयल। गाइज, अरंडी के तेल के अंदर वो सारी खूबियाँ होती हैं जो आपके बालों को घना व मोटा बनाती है, थिक बनाती है, और आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो गाइज, आपको करना है कि आपको अरंडी का तेल 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम ले लेना है, क्योंकि आपकी आईब्रोज का पार्ट बहुत ही कम होता है। सो गाइज, इतना अरंडी का तेल आप साफ कटोरी में ऐड कर लीजिए। और दूसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइज विटामिन ई कैप्सूल। आपको करना है कि विटामिन ई का एक कैप्सूल ले आना है, 600 mg का या फिर 400 mg का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। विटामिन ई आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, आज के इस नुस्खे में हम विटामिन ई का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको करना है कि एक कैप्सूल ले लेना है, उसे पिंच करके फोड़ के इसके अंदर ऐड कर लेना है। गाइज, इसके इस्तेमाल से आपकी आईब्रो इतनी तेज़ी से घनी होगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। ये देखिए गाइज, एक विटामिन ई कैप्सूल भी 600 mg का हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब गाइज, तीसरी और लास्ट चीज़ जो इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइज वैसलीन। आपको करने है कि बहुत थोड़ी वैसलीन बहुत कम क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड कर लेनी है। तो चलिए पहले इसे भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए गाइज, इतनी वैसलीन भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अब गाइज, सिंपली आपको इस नुस्खे को मिक्स कर लेना है ताकि आपका नुस्खा बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए पहले इसे मिक्स करते हैं, फिर आपको उसको लगाने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे अपनी आईब्रो पर लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलने वाला है। सो गाइज, पहले इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए गाइज, अब आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको अपनी आईब्रोज पर लगाना है, जिससे आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सके और आपकी आईब्रोज घनी व मोटी हो पाएँ। सो गाइज, आपको करना है कि एक कॉटन ले लेनी है और गाइज रुई की सहायता से आपको कुछ इस तरीके से रुई पर लगाना है, कॉटन पर लगाना है, और अपनी आईब्रोज पर हल्के हाथों से लगा लेना है। और गाइज, ये प्रक्रिया आपको रात को सोते समय करनी है। अगर आप रात को सोते समय करेंगे तो ये आपकी आईब्रोज पर ज़्यादा लंबे समय तक लगा रहेगा और बहुत ही तेज़ी से वर्क कर पाएगा। और गाइज, अगर आप 1 हफ्ते में इसे 3-4 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी आईब्रोज घनी मोटी व थिक हो जाएंगी और आपके चेहरे की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा निखर जाएगी। सो गाइज, अगर आप भी अपनी आईब्रोज के बालों को घना मोटा करना चाहते हैं, उन्हें बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका फेस का ग्लो बढ़ जाए, तो आप उसके को ट्राई कर सकते हैं। 100% आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।